बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मसाइल का बयान चल रहा है। वाजिब कुर्बानी के लिए इजाज़त लेने का हुक्म। अलजवाबु हामिदन व मुसल्लियन। अगर कोई शख्स दूसरे आदमी की वाजिब कुर्बानी करना चाहता है तो इससे इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना इजाज़त के बग़ैर कुर्बानी करने की सूरत में दूसरे की वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। इस मसले को अच्छी तरह समझ लें, इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, एक बात और है, अगर रिवाज हो या पहले से मालूम हो कि ये वाजिब कुर्बानी हमारी तरफ़ से कर देता है, यानी शोहर अपनी बीवी से की तरफ से या बाप अपनी बालग औलाद की तरफ से जिन पर कुर्बानी वाजिब है, या बीवी अपनी औलाद, बीवी मतलब अपने शोहर की या औलाद कर लेती है, या इसका उर्फ में रिवाज है या उनके यहाँ मालूम है, तो फिर कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, सरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि यहाँ उर्फ और रिवाज काफ़ी है। ठीक है जी। लेकिन जहाँ ये उर्फ भी ना हो और वहाँ वाजिब कुर्बानी के लिए सरी और साफ तौर पर इजाज़त लेना ज़रूरी होगा, वरना वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।